नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एस टारगेट इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में ये हमारा लेक्चर 6 है। ठीक है, तो इसमें हिमालय हम पढ़ रहे हैं। हिमालय में दो वीडियो बन चुकी है, तो पहले आपको मैं दो वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद ये तीसरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमने देखे क्या क्या कवर कर लिया है। उसमें हमने कवर किया है, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति, उसके बाद हमने उसमें पढ़ा दूसरी वीडियो में पार हिमालय क्या होता है और मान हिमालय क्या होता है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लघु हिमालय क्या होता है, शिवालिक और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, और हिमालय में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालय की वनस्पति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हिमालय में चार भाग होते हैं। पहला होता है पार हिमालय, दूसरा होता है मान हिमालय। मान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष हिम से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। तीसरा होता है सर्वोच्च हिमालय, मतलब मान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। पहले भी दूसरे पे ये हम मान हिमालय और सर्वोच्च हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी विश्व की लगभग 10 ऊंची चोटी सर्वोच्च हिमालय पे ही पाई जाती है। फिर इसको विरिध हिमालय भी कहा जाता है, विरिध हिमालय मतलब सबसे बड़ा हिमालय, और इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर तीसरे नंबर पर आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथे नंबर पर आता है शिवालिक। तो पार हिमालय जो कि वास्तव में हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने वीडियो में बताया था कि 33 भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। 33 भूसन्नति में जो अवसाद चट्टान रूप में जमा थे उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और हिमालय में तीन पार्ट आते हैं, मान हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है और शिवालिक आता है। लेकिन जो पार हिमालय है, ठीक है, पार हिमालय पहले से वहाँ पर मौजूद था, यानी वो यूरेशियन प्लेट का भाग था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन एक चीज़ छूट गई थी, वो क्या छूट गई थी, देखिए जैसे मैंने हिमालय ऐसे फैला हुआ है, जैसे ऐसे धनुष आकार में फैला हुआ है पश्चिम से पूरब, ठीक है, उसकी मैंने लंबाई आपको बता दी थी, यानी पश्चिम से पूरब उसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। लेकिन यदि चौड़ाई पूछे, मैं कहूँ मान हिमालय, अभी पार हिमालय की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं मान हिमालय की, और मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की, यदि उसकी चौड़ाई में कहूँ पश्चिम में कितनी है, ये इधर मान हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, तो पश्चिम में उसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर और पूरब में 150 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पूरब में हिमालय सकरा हो गया है, सकरा का मतलब नैरो हो गया है, उसकी जो तीनों श्रेणियाँ हैं वे पास पास आ गई है। पास पास क्यों आ गई है, क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो जो पूर्वी श्रेणी है वो बाद में टकराई थी, बाद में टकराने से क्या हुआ था, वो पास पास हो गई थी। ठीक है, तो ये हमने बताया था। तो हिमालय की यदि औसत चौड़ाई पूछे, औसत मतलब आपसे चौड़ाई पूछे, तो 400 किलोमीटर पश्चिम में है और पूरब में 150 किलोमीटर है। लेकिन यदि अलग अलग पूछे, अलग अलग का यहाँ पे मेरा क्या आशय है कहने का, अलग अलग का मतलब है महान हिमालय की चौड़ाई आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, लंबाई तो आपको पता है हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, और आपको औसत चौड़ाई भी पता है हिमालय कितनी है, 400 किलोमीटर, वो किधर है, पश्चिम में, और पूरब में कितनी है, 150 किलोमीटर। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ अलग अलग, अलग अलग का मतलब मैं पूछ रहा हूँ मान हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो मान हिमालय की चौड़ाई लिख लीजिए 120 से, चौड़ाई दोस्तों ऐसे होती है ऐसे, ठीक है, 120 से 200 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई पिछली वीडियो में बताई थी मान हिमालय की वो है 6000 मीटर, हालांकि वहाँ पर बहुत सारे शिखर ऐसे भी है जिनकी ऊंचाई 8000 से मीटर है, 8000 मीटर से ऊँची है, लेकिन हम यहाँ औसत की बात कर रहे हैं। दूसरा आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा आता है शिवालिक। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में भी चौड़ाई लिख लीजिए उसकी भी, उसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर और ऊंचाई उसकी 4500 मीटर है औसत ऊंचाई, ठीक है। तीसरा आता है शिवालिक या निम्न हिमालय, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर। तो जो मैं बोला हूँ आपको, जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हिमालय की चौड़ाई है तो पूरी पूरे हिमालय, इस हिमालय में तीनों आ जाता है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, और पार हिमालय तो अलग है, ठीक है। तो महान हिमालय के अलग से चौड़ाई भी मैंने यहाँ पे बता दी है, लघु हिमालय की बता दी है, शिवालिक की बता दी है, ठीक है। तो पार हिमालय और महान हिमालय पिछले वीडियो में पढ़ लिया हमने, आज हम पढ़ेंगे शिवालिक और लघु हिमालय। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम लघु हिमालय से, लघु हिमालय से स्टार्टिंग इस हम जो मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप जो जो मैं बोलूँगा वो आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और नोट्स बनाने से ज़्यादा आपको यहाँ पे देखना है जो मैं बताऊँगा, ठीक है, और अपने सामने अपना मैप भी रखना है जो एटलस आपने ख़रीदा हुआ है, जो ये रेड कलर में फैला हुआ है, जहाँ से अब मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, देखिए जहाँ जहाँ मेरा कर्सर ये जाएगा, ठीक है, देखिए ऐसे से मेरा कर्सर जा रहा है, जो यहाँ पर कौन सी सीमा है,
यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम बताइए मान हिमालय का, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम बताइए हिमालय का। पूर्वी बिंदु है पूर्वी चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूर्व की और पश्चिम की, ठीक है। उसके नीचे जो भी है गया, जो भी है ब्लैक कलर में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए ब्लैक कलर में जो है फैला हुआ है, यह है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इस मध्य हिमालय लघु हिमालय में महत्वपूर्ण 5 श्रेणी है। जो ये श्रेणी है जहाँ पे मैं भी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, उस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी। दूसरा जो ये मैं कर्सर अभी यहाँ पे घुमा रहा हूँ ये वाली, इसका नाम है धौलाधर श्रेणी। तीसरी जो अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इसका नाम है मसूरी श्रेणी। और जो दो अन्य चौथी और पांचवी, इसका नाम है महाभारत और इस पांचवी का नाम है नागटिब्बा। ये दोनों के दोनों नेपाल में है, ठीक है। और तीसरा जो आपको ये हरे कलर में दिख रही है नीचे वाली, यह है शिवालिक, ठीक है। ये हरे कलर में जो आपको दिख रही है ये है शिवालिक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए लघु हिमालय शिवालिक से। ये जो ब्लैक कलर में 5 श्रेणियों में फैला हुआ है, यह लघु हिमालय। बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी कन्फ्यूज ना रहे। तो जो भी ये ब्लैक कलर में 5 श्रेणियों में टूटा फूटा फैला हुआ है, अच्छा लघु हिमालय टूटा फूटा क्यों है? क्योंकि नदियों ने इनमें गाज बना दिए है, इनमें दर्रे बना दिए है, ठीक है। तो एक एक दो दर्रे की तो हम इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अच्छे से पूरे कम्प्लीटली दर्रे ग्लेशियर की अगली वीडियो होगी। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय कटा छटा इसलिए है क्योंकि नदियों ने यहाँ पे दर्रे बना दिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, ठीक है, ये पूरी श्रेणी कौन सी है? ये पूरी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी है। तो पीर पंजाल श्रेणी के लगभग बीच में एक दर्रा पाया जाता है, उसका नाम है बनिहाल दर्रा। उसका क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। जो नीचे ये जो आपको नीले कलर में दिख रहा है ये है जम्मू, और ऊपर वाला ये है श्रीनगर। तो जम्मू को श्रीनगर जोड़ने वाली जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग बनिहाल दर्रे से ही निकाली गई है, बनिहाल दर्रे से ही बनाई गई है, ठीक है। तो जो बनिहाल दर्रा है ये किसने बनाया है? ये नदियों ने बनाया है। तो आज यहाँ पे नदियाँ, जहाँ पे अभी कर्सर है यानी बनिहाल दर्रे में, आज नदियाँ नहीं बहती, लेकिन प्राचीन काल में नदियाँ बहती थी। उन्होंने उस टाइम पे वहाँ पे दर्रा बनाया था। पूरी जो पीर पंजाली श्रेणी है ये कम्प्लीटली थी प्राचीन काल में, पूरी की पूरी थी, लेकिन नदियाँ ने, जहाँ पे वो नदियाँ बहती थी पहले, उन्होंने यहाँ पे दर्रा बनाया था, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है, जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय कौन सा है? जो कि ये ब्लैक कलर में फैला हुआ है, और नीचे कौन सा है? शिवालिक। तो लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग हुआ है। मेन बाउंड्री फॉल्ट लिखा हुआ मैं आगे दिखा दूंगा। दूसरी बात, क्वेश्चन आपके लिए, पार हिमालय से महान हिमालय कौन सी बाउंड्री है, कौन से जोन द्वारा अलग हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, महान हिमालय से लघु हिमालय कौन से बाउंड्री है, कौन से जोन द्वारा अलग हुआ है? तीसरा तो मैंने बता दिया, लघु हिमालय महान हिमालय, लघु हिमालय शिवालिक से कौन सी बाउंड्री द्वारा अलग हुआ है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। दो मैंने क्वेश्चन पूछे, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिए है, तो पिछली वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए औसत ऊंचाई मैंने लघु, अब हम पूरा कम्प्लीटली फोकस करेंगे लघु हिमालय पे, 5-10 मिनट इस पर बात होगी, उसके बाद शिवालिक पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, जो कि मैंने बता दी, ठीक है। लघु हिमालय के बारे में, जो कि ये ब्लैक कलर में फैला हुआ है, पांच महत्वपूर्ण श्रेणियों में फैला हुआ है। इसमें लिखिए सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, यानी घूमने के लायक जगह सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल लघु हिमालय पर ही है। सर्वोच्च हिमालय पर क्यों नहीं है? सर्वोच्च हिमालय काफ़ी ऊंचा है और वो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, कौन? महान हिमालय। जबकि लघु हिमालय थोड़ा नीचा है, इसीलिए वो गर्मियों में बर्फ से नहीं ढका रहता, इसीलिए वहाँ पर जो भी पर्यटन स्थल है, घूमने लायक जगह है, वो बन गई है। कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा? कुल्लू, मनाली, डलहौजी, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि, ठीक है। ये हो, इतना हो गया। अब लघु हिमालय के बारे में आपको लिखना है। देखिए अब देखिए, ये जो सबसे पहले श्रेणी है जहाँ पे मैं भी कर्सर घुमा रहा हूँ, इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। ये कम्प्लीटली कश्मीर के अंतर्गत आती है, लिख लिया आपने ये बात। दूसरी श्रेणी पर आ जाइए, ये कौन सी श्रेणी है? ये है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी कम्प्लीटली हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है, कम्प्लीटली हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। एक और बात लिख लीजिए, शिमला धौलाधर श्रेणी पर ही अवस्थित है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर ही अवस्थित है। वापस पीर पंजाल श्रेणी पर आइए, ऊपर उत्तर में, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में, ये पीर पंजाल श्रेणी है, दिख रहा है आपको पीर पंजाल श्रेणी, इसका उत्तर ऊपर होगा, इसके उत्तर में है श्रीनगर, और इसके दक्षिण में क्या है? जम्मू। इसके पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में है श्रीनगर, पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में है जम्मू। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा पाया जाता है, उसका क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। ये वाला दर्रा देखिए, बनिहाल दर्रा।
इस बनिहाल दर्रे से ही जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग बना हुआ है, बनाया गया है, ठीक है। और वहाँ पे एक जवाहर सुरंग यानी जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग में ही जवाहर सुरंग भी बनाई गई है। सुरंग जवाहर यानी टनल बनाई गई है। मान लीजिए ये हो गया दर्रा, ठीक है, इधर आ जाइए, देखिए ये पूरी श्रेणी कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी। तो यहाँ पे ये दर्रा हो गया, तो यहाँ से एक जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग बनाया गया है और यहीं पर एक टनल बनाई गई है, टनल बना के फिर निकाल दी है। तो इधर क्या है, इधर है जम्मू और इधर है कश्मीर, आपके समझ आया होगा ये, ठीक है। इसमें इतना ही था। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो धौलाधार श्रेणी पर ही अवस्थित है, ठीक है। तीसरी श्रेणी पर आइए, तीसरी श्रेणी कौन सी है, मसूरी, ये कम्प्लीटली उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है, इतना हो गया। चौथी है महाभारत और पांचवी है नागटिब्बा, ये दोनों के दोनों नेपाल में अवस्थित है, इस बात को भी लिख लीजिए। इसके आगे लघु हिमालय, लगभग लघु हिमालय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व समाप्त होने का क्या मतलब है, देखिए जैसे हिमालय है तो महान हिमालय है, तो जो लघु हिमालय ऐसे फैला हुआ है पांच श्रेणियों में जो मैंने आपको बताई है, फिर ऐसे मिल जाता है वो, ठीक है। उसी प्रकार शिवालिक ऐसे आके ऐसे फिर उसकी पांच चार श्रेणियां पाई जाती है इधर, जो ये चारों है उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे वो सकरा हो जाता है, सकरे का मतलब उनकी चौड़ाई यहाँ पे 150 किलोमीटर रह जाती है, और इधर कितनी है इनकी चौड़ाई, इधर है 400 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऐसे पर्यटन स्थल नहीं पाए जाते, ये तब समझाने का बात, ठीक है, इतना हो गया। अभी आपको इसी में और लिखना है आगे, हाँ आपको आपको लिखना यह है कि जिस प्रकार मैंने अभी बताया था कि लघु हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका नहीं रहता, ठीक है, महान हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन लघु हिमालय बर्फ से ढका नहीं रहता क्योंकि उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। इसीलिए गर्मियों में वहाँ पे क्या होता है, देखिए गर्मियों में वहाँ पे लघु हिमालय के ढालों पे शीतोष मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे, देखिए ये अब मैं बना रहा हूँ क्या, देखिए अभी देखिए आप, ये हो गया शिवालिक, ये हो गया लघु हिमालय, ये हो गया महान हिमालय। तो महान हिमालय पे या सर्वोच्च हिमालय पे तो वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ पे तो वनस्पति उगेगी नहीं, लेकिन इस पे क्या होता है लघु हिमालय पे यहाँ पे बर्फ नहीं जमती, बर्फ इसकी चोटी पे तो जमी रहती है लेकिन जो इसके ढलान पर है यहाँ पे बर्फ मतलब पिघल जाती है क्योंकि गर्मी पड़ती है गर्मियों में, ठीक है। तो जब ये बर्फ पिघल जाती है यहाँ पे फिर घास उग जाती है, उन घास को क्या कहते हैं शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान। और जैसा कि मैंने बताया ये कई राज्यों में फैली हुई है लघु हिमालय भी। तो अब लिखिए जब जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, मर्ग, लिखा हुआ सब दिखा दूंगा मैं, जैसे आपने सुना भी होगा गुलमर्ग सोनमर्ग, ठीक है। रही उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बोला जाता है बुग्याल या पयार, लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ घाटी, आपको ये पांच की पांच श्रेणी आनी चाहिए लगाने के लिए, किधर, पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। यदि मैं कहूँ पश्चिम से पूर्व, आप मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की पांचों श्रेणी लगाइए पश्चिम से पूर्व, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पश्चिम आएगा पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधार श्रेणी, फिर मसूरी, फिर महाभारत, फिर नागटिब्बा। अब आइए आप इन पे, अब हम पढ़ लेते हैं घाटी। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है, महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है। तो अब देखिए जो ये वाली घाटी जहाँ पे भी मेरा कर्सर है ये वाला, ठीक है, इस घाटी का क्या नाम है, कश्मीर घाटी, इस घाटी का क्या नाम है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में ही श्रीनगर, बुलर झील, डल झील, अंचार झील, ये अंचार झील है, अंचार झील पाई जाती है। अब देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैं पूछता हूँ कि मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है, कश्मीर घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर, बुलर झील, डल झील, अंचार झील स्थित है, इतना क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरी घाटी पाई है, ये जो कश्मीर घाटी है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा इसको, ठीक है, ये श्रीनगर, बुलर झील, डल झील आदि मैप में दिखा दूंगा दो मिनट बाद। दूसरी घाटी पे आइए, ये है कुल्लू कांगड़ा घाटी, देखिए सबसे पहले कश्मीर घाटी, फिर इधर आओगे आप, यह है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी कौन सी श्रेणी के ऊपर है, धौलाधार श्रेणी के ऊपर है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कुल्लू कांगड़ा घाटी किन दो श्रेणी के बीच में है, तो महान हिमालय और ये कौन सी है, धौलाधार श्रेणी, ठीक है, धौलाधार श्रेणी, तो उन दोनों के बीच में है। और कुल्लू कांगड़ा घाटी कम्प्लीटली किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, दूसरी घाटी होगी। तीसरी घाटी लिखिए नेलोंग घाटी, नेलोंग घाटी कम्प्लीटली उत्तराखंड में है। चौथी घाटी लिखिए काठमांडू घाटी, ये कम्प्लीटली नेपाल में। पांचवी घाटी लिखिए चुंबी घाटी, ये कम्प्लीटली सिक्किम में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि अब मैं आपसे पांचों की पांचों घाटी पश्चिम से पूर्व लगाऊँ, इधर पश्चिम होता है इधर पूर्व होता है, तो सबसे पहले आएगी कश्मीर घाटी, फिर कुल्लू कांगड़ा घाटी जो कि
हिमाचल प्रदेश में, तीसरी नेलोंग घाटी जो कि उत्तराखंड में, चौथी काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में, लास्ट में आती है चुंबी घाटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बाद चुंबी घाटी के बाद क्या घाटियां पाई जाती है? चुंबी घाटी के बाद पूर्व वाले हिमालय में, पूर्व वाले हिमालय में घाटियां नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? एक ही इसका रीजन है, वहां पे सकरा हो गया है, सकरे का मतलब छोटा हो गया है। ठीक है, इसलिए वहां पे घाटियां नहीं पाई जाती, यह आपको ध्यान रखना है। कश्मीर घाटी में जैसा कि मैंने बोला, श्रीनगर, वुलर झील, डल झील, अंचार झील अवस्थित है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपको हमारा इंडिया दिख रहा होगा। ठीक है, अब इंडिया को मैं कर रहा हूँ जूम, और आपको जो जो मैं बोला हूँ आपको सब कुछ दिखाई देगा एक एक चीज़। ठीक है, ये देखिए, यह वुलर लेक आ गया लिखा हुआ, देखिए ये वुलर वुलर लेक आ गया, वुलर लेक। ठीक है, दिख रहा है आपको वुलर लेक? ठीक है, देखिए आ गया वुलर लेक। अब ये मैं थोड़ा सा देखिए इसके नीचे आ रहा हूँ, नीचे का मतलब इसके दक्षिण में आ रहा हूँ। अब दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में देखिए ये कौन सी, ये है अंचार लेक, देखिए आ जाएगा अभी, आ गया अंचार लेक। और अंचार लेक के दक्षिण पूर्व में कौन सी है? डल लेक, दिख रहा है आपको? अब देखिए इन तीनों को ध्यान रखना है आपको, इसकी लोकेशन देखिए यदि पूछा जाए तो ये कौन सी है, ये है वुलर लेक और ये अंचार लेक, ये है डल लेक। और डल लेक के किनारे ही कौन सा क्या स्थित है? श्रीनगर। ठीक है, अब छोटा कर रहा हूँ मैं, लेकिन लोकेशन आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, और अब देखिए देखिए ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है जम्मू, ये दिख रहा है नीचे जम्मू। ठीक है, तो जम्मू से जो मैं बनिहाल दर्रे की बात कर रहा था, यही है वो बनिहाल दर्रा, देखिए लिखा भी है बनिहाल, लिखा है बनिहाल। ठीक है, तो इससे अनंतनाग से होके ऐसे श्रीनगर जाता है, और यहाँ पर कौन सी सुरंग है? यहाँ पर जवाहर सुरंग। और जो ये पूरा सड़क मार्ग बनाया, इसका क्या नाम है? जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग। ठीक है, और यदि आपको कारगिल वगैरह देखना है, देखिए कारगिल इधर है और लेह इधर है। तो यदि मैं पूछूं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेह कौन सी नदी पर अवस्थित है, कौन सी नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, वो क्या है? वो है सिंधु नदी। देखिए जूम करूँगा, आ गया इंदुस रिवर, इंदुस को सिंधु नदी ही बोला जाता है। तो अभी नदियाँ नहीं पढ़ रहे हम, अभी तो मैं आपको खाली ऐसे ही हल्का हल्का बता रहा हूँ। ठीक है, ये कारगिल यहाँ पे हो गया, लेह यहाँ पे हो गया, तो इतना हो गया। आगे आइए, अब दूसरा, कश्मीर घाटी के बारे में आपको इतना ही जानना था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लघु हिमालय ही पढ़ रहे हैं, मध्य हिमालय ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हिमाचल, जो ये हिमाचल है, ये कुल्लू कांगड़ा घाटी के हिमाचल में है, और जो इसके नीचे ये कौन सी श्रेणी है? ये धौलाधार श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी में ही हिमाचल की राजधानी शिमला है, और अन्य पर्यटक स्थल जैसे आपने सुना होगा मनाली डलहौजी अवस्थित है। ठीक है, तीसरी नेलोंग घाटी कहाँ पर है? ये मसूरी के ऊपर नेलोंग घाटी है, उत्तराखंड में कम्प्लीटली। और नेलोंग घाटी, नेलो वो आई एम सॉरी, मसूरी श्रेणी में ही मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, अन्य पर्यटन स्थल वहाँ पे हैं चारों के चारों, यहाँ पे कोमा लगा लीजिएगा। ठीक है, चारों के चारों पर्यटन स्थल उत्तराखंड की मसूरी श्रेणी में ही है। ये तीसरा हो गया, और बस ये दो, काठमांडू घाटी तो काठमांडू उसमें है नेपाल में, और ये महाभारत नागतिब्बा श्रेणी भी नेपाल में, और रही चुंबी घाटी वो सिक्किम में है। तो इसमें इतना ही जानना था। ठीक है, अब हम जो जो मैं आपको ये सब बोला हूँ, ठीक है, जितना भी मैंने आपको वुलर झील सब कुछ दिखाया है, और हिमालय पूर्व में सकरा है, सब कुछ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और कुछ नोट्स ये हैं इनको भी बना लीजिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, इतना हो गया, अब हम पढ़ लेते हैं क्या, अब पढ़ लेते हैं शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक में देखिए सबसे ऊपर वाला, जैसे कि हर बार हम बता रहे हैं, सबसे ऊपर वाला है मान हिमालय, फिर जो कटा चटा है जिसके बारे में भी हमने 10-15-20 मिनट बात कर ली, वो है लघु हिमालय, और जो ये अंतिम वाला हरे वाला, ये क्या है? ये है शिवालिक। तो शिवालिक के बारे में आपको सबसे पहले बात ये लिखनी है कि ये सबसे नया है और सबसे कम ऊंचा है। सबसे नया क्यों है? जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है, यानी सबसे पहले बना था महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और सबसे बाद में बना है शिवालिक। तो शिवालिक सबसे नया है, सबसे कम ऊंचा है, इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय क्यों? क्योंकि ये बाह्य है, मतलब अलग है। और आंतरिक हिमालय किसको कहा जाता है? महान हिमालय को। इनमें भी कन्फ्यूज नहीं होना है। औसत ऊंचाई मैंने पहले भी बता दी थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई की बात, चौड़ाई मतलब ऐसे 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए मुख्य बात आइए इधर, जो ये चार श्रेणियाँ फैली हुई है, मैं जूम कर दूंगा ये वाली, देखिए मैं ले जा रहा हूँ इसको, इसको इधर ले जा रहा हूँ, देखिए ये ले गया मैं यहाँ पे, ये डफला डफला, फिर दूसरी है मिरी, तीसरी है अबोल, और चौथी है मिशमी। नोट करके लिखना है, ये चारों शिवालिक के ही भाग है,
ये चारों शिवालिक के ही भागे, नोट करके लिखना है इस बात को, ठीक है, ये चारों शिवालिक के ही भागे। अब जिस जिस प्रकार महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में घाटी पाई जाती है, ठीक है, जो कि मैंने अभी पांचों की पांचों घाटी आपको बताई, उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भी घाटी पाई जाती है, लेकिन उनको क्या बोला जाता है, उनको घाटी नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है दून, जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लिखा हुआ मैं दिखा दूँ, उसकी टेंशन नहीं है। ये कौन सा गार्ज है, ये है सिंधु गार्ज, तो ऐसे मुड़ गया है, सिंधु गार्ज पे हिमालय ऐसे मुड़ गया है, और इधर कौन सा गार्ज है, दिहांग गार्ज, तो ये जो जहाँ पे भी मैं कर्सर कर रहा हूँ ये भी हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ तो दिहांग गार्ज के थ्रू इधर इस तरफ उसने टर्न ले लिया है, यानी मोड़ ले लिया है, और उधर सिंधु गार्ज के थ्रू। गार्ज वास्तव में होता क्या है, देखिए गार्ज क्या होता है बता देता हूँ, जैसे अब तो ऐसे बन गया है, ये होता है गार्ज। पहले क्या था कि पहले नदी ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये ऊपर ही था, यहाँ पे था, और नदी बहती थी ऐसे, ठीक है, अब नदी बह रही है नीचे, तो ये जो गार्ज है इनको ये नीचे कैसे गया, इनको वास्तव में नदियों ने ही काटा हुआ है, प्राचीन काल से नदियाँ काटती आ रही है, जैसे बनिहाल ये दर्रा बन गया है ना, उसी प्रकार गार्ज गार्ज को भी नदियों ने ही बनाया है, ठीक है, लंबे काल में। तो यदि आप यहाँ पे खड़े हो ऊपर और आप नीचे देखोगे, तो आपको इस वाले गार्ज में बिल्कुल जो नदी का पानी है बिल्कुल शुद्ध दिखाई देगा, बिल्कुल चमकीला दिखाई देगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वह नीचे बह रही है और ऊपर से ढक गई है, मैं ऊपर से मैं ढक गई है, जिस प्रकार ढक जाती है ना ऊपर से, तो वहाँ पे अशुद्धियाँ मिट्टियाँ वगैरह नहीं मिल रही है, धूल धुम्बाल उस नदियों में नहीं मिलते, इसलिए बिल्कुल साफ पानी होता है, चमकीला पानी होता है। कभी आप जाएंगे कश्मीर देखेंगे तो बिल्कुल चमकीला पानी देखेगा आपको, ठीक है, तो ये होता है गार्ज, ठीक है, इतना इसमें बताना था, तो ये हमारा हो गया। हाँ अभी देखिए, अभी जो हमने आपको शिवालिक भी बता दिया, और हाँ इसके नोट्स ये हैं, ये देख लीजिए सारे नोट्स हैं, ठीक है, तो हमने हिमालय के बारे में सारी बातें पढ़ ली, लेकिन हिमालय की कुछ भाग पूर्वोत्तर पहाड़ी के रूप में भी फैला हुआ है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सब हमने ये सब हमने गुलमर्ग सोनमर्ग सब कुछ हमने देख लिया, कुछ नहीं छोड़ा ना, ठीक है, चुंबे घाटी और ये पांचों भी हमने देख ली, ये चारों भी देख लिए, चारों किसकी पार्ट है, शिवालिक की। अब ये जो ये इधर फैला हुआ है रेड कलर में, रेड कलर में जो ये फैला हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको रेड रेड कलर में, ठीक है, तो ये अब इनको अलग अलग नहीं नाम दिया जाता, जो अब इधर ये मुड़ा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इनको अलग अलग नाम नहीं दिया जाता, ये सारी अब इसको पूरे को हिमालय कहा जाता है, यानी पूरा हिमालय तीनों ऐसे यहाँ पे जुड़ने के बाद, ये ऊपर वाली महान, मध्य और शिवालिक, ये तीनों ऐसे जुड़ने के बाद ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, तो इनको कोई अलग नाम नहीं दिया जाता पूर्वोत्तर में, लेकिन हाँ जो इनकी कटी छटी जो पाई जाती है उनको नाम दिया जाता है। अब देखिए क्या क्या नाम दिया जाता है, जो सबसे ऊपर है, आप अपने मैप खोल के बैठिएगा प्लीज़, जब भी समझ आएगा, ये जो सबसे ऊपर है इसको, यह है पटकाई बूम, ये हिमालय का ही भाग है, पटकाई बूम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। जो फिर ये नीचे है, यह है नागा, कहाँ पर है, नागा मतलब नागा हिल्स, यह है नागालैंड में। फिर ये क्या है, यह है लेमाटोल, यह क्या है, लेमाटोल, ये कहाँ पर है, मणिपुर में। और ये सबसे अंतिम में क्या है, मिजो, ये कहाँ पर है, मिजोरम में। चारों के चारों यहाँ लिखे हैं, लेकिन चारों के साथ आपको एक और दिखेगा, भूवान, भूवान और दिखेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है लेमिटोल, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है इसके बराबर में, ये क्या है, भूवान, आपको अपने मैप में तो आराम से दिख जाएगा, ठीक है, भूवान है। ये कहाँ पर फैला हुआ है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ, ये फैला हुआ है मणिपुर और मिजोरम में, दोनों में फैला हुआ है, ये फैली हुई है मतलब पहाड़ी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है, जो अब मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला ये जहाँ पर इस टाइम कर्सर है और मैं ले जा रहा हूँ, देखिए ये है बेराल रेंज, ये देखिए बेराल रेंज। अब तक जो मैंने आपको बताई सारी सारी की सारी पहाड़ी, इनका नाम किस पर रखा गया है, जो जो वहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है, जितनी अब तक मैंने आपको सारी पहाड़ी ये बताई है, ये सब किसकी पार्ट है, हिमालय की पार्ट है। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ये सब किसकी पार्ट होगी, वे सब पार्ट होगी प्रायद्वीपीय पठार की, नोट करके लिखना है। प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी आती है, देखिए जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है ये, और देखिए मैं ले जा रहा हूँ इसको इधर, ये ले गया है यहाँ पे, तो ये क्या है, यह है रेंगमा, रेंगमा हिल्स, आपको अपने मैप में तो दिख जाएगा, और रेंगमा हिल्स के ऊपर में क्या है, मिकर हिल्स, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, यह गारो, और यह खासी, और यह जयंतिया। तो जो मैंने आपको पांच बताई है, जो भी हरा कलर में हो रही है, ठीक है,
ये सब किसका पार्ट है? प्रायद्वीपीय पठार का। कैसे? देखिए यहाँ पे फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। अभी हमने प्रायद्वीपीय पठार नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे। प्रायद्वीप छोटा नागपुर के छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, उसमें ही आती है राजमहल हिल्स। तो जो राजमहल हिल्स है वो फैली हुई थी पहले यहाँ तक ऊपर, पूरा जो 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 मैंने आपको पाँचों बताइए मैं पाँचों राजमहल हिल्स के अंतर्गत ही आती थी। लेकिन आज ये तीन जो नीचे की गारो खियासी जानते हैं, ये मेघालय पठार के अंतर्गत आती है, और मेघालय पठार के अंतर्गत ही रेगमा और मिगर हिल्स आती है। लेकिन मेघमा गारो खासी जनता तीनों की तीनों मेघालय राज्य में है, जबकि रेंगमा और मिगर हिल्स असम में है, और बेरल रेंज ये वाली ये भी असम में है, लेकिन बेरल रेंज हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इतना हो गया। तो जो ये फैली हुई थी राजमहल हिल्स, ये कई कहाँ? देखिए इधर से आती है गंगा और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको काट दिया है, इसका अपरदन कर दिया है, एक दिन दो दिन में नहीं, कम से कम लाखों करोड़ों सालों में। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे वह उसको बिल्कुल अपरदन करके समुद्र में पहुँचा दिए उसको। तो यहाँ पे पूरा अब जो बांग्लादेश है पूरा बिल्कुल पठारी युक्त है, वहाँ पे थोड़े से भी पठार नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। और जो ये गैप बन गया है अब, मतलब ये राजमहल हिल्स है और यहाँ पे राजमहल हिल्स का ही भाग मेघालय पठार है, उसके बीच में जो गैप बन गया इसको क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप। ठीक है, इतना हो गया, बस इतना इसमें जानना था। जो जो मैं आपको बोला हूँ सबके सब नोट्स यहाँ लिखे हैं, और ये तो है ही आपके पास। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और इसमें बातें हैं। देखिए हिमालय को, हिमालय के बारे में हमने सब पढ़ लिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन रीजनल डिवीजन के आधार पर भी आ जाता है, क्षेत्रीय आधार पर। कैसे? नदियों के आधार पर आ जाता है कि नदियों के आधार पर जो हिमालय बटा हुआ है कैसे बटा हुआ है। देखिए सबसे पहले अभी नदियाँ नहीं पढ़ाई है, लेकिन अब अभी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। इंदुस नदी है, कश्मीर है, इंदुस नदी ऐसे बहती है यानी सिंधु नदी, और सतलुज ऐसे बहती है, यहाँ से काली बहती है और यहाँ से तीस्ता और लास्ट में अंतिम में दिहांग। तो इंदुस नदी और सतलुज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी सतलुज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, और यदि फिर नोट करके लिखना है, यदि पंजाब हिमालय को पश्चिम से पूरब बांटे तो पश्चिम वाले को क्या कहेंगे? कश्मीर हिमालय, और पूरब वाले को क्या कहेंगे? हिमाचल हिमालय। ठीक है, इतना हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन है, सिंधु और सतलुज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है यदि रीजनल डिवीजन के आधार पर हिमालय को बांटा जाए। ठीक है, दूसरा, यदि पंजाब हिमालय को पश्चिम से पूरब कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय क्रम से। ठीक है, अब सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं वाले पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, क्योंकि कंप्लीटली नेपाल में है। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, बस इतना ही आपको मुझे इसमें बताना था। अब आगे देखिए, जो जो मैं बोला हुई है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, और ये मतलब एनसीईआरटी का कट लिया है मैंने। ठीक है, अब हम देखें हिमालय की वनस्पति भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिमालय की वनस्पति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थीके? तो आप लोगों को थोड़ा सा यदि आइडिया होगा तो आपको पता होगा जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे ज़्यादा वनस्पति उगती है। मतलब तो आप 0 से 5 डिग्री के बीच, या विषुवत रेखा के समीप, विषुवत रेखा 0 डिग्री की, इसके समीप सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी और सूर्य का प्रकाश भी कम मिलता रहेगा, क्योंकि वनस्पति के लिए वर्षा के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणें वहाँ पर तिरछी पड़ती है और ध्रुव पर पड़ती ही नहीं 6 महीना, तो वहाँ पर वनस्पति कम मिलती है, और ध्रुव से यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो हिमालय में कुछ ऐसा ही ऐसी ही जलवायु पाई जाती है। कैसे? जैसे हिमालय से बना हुआ है। ठीक है, तो हिमालय के जो नीचे है तापमान सबसे अधिक होगा, क्योंकि आपको पता है नीचे से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। तो सबसे नीचे तापमान हिमालय में सबसे नीचे तापमान सबसे अधिक होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे बर्फ मिलने लगेगी। तो इसीलिए हिमालय पे भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसके बारे में मैं आपको सबको बताने जा रहा हूँ। देखिए हिमालय के गिरिपद में, जो हिमालय का यहाँ पे गिरिपद है जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, सब इस गिरिपद से पहले ये बात लिखी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वनों टुंड्रा वन में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जिस प्रकार उष्णकटिबंध पृथ्वी पे 0 डिग्री अक्षांश से लेकर ऊपर 90 डिग्री तक अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिनको उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति बोला जाता है, उसी प्रकार हिमालय भी उष्णकटिबंध से लेकर टुंड्रा वन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो हिमालय के गिरिपथ में यानी हिमालय के नीचे वाले भाग में सबसे
वहाँ पे पाए जाते हैं पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन। अभी हम 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर गए, हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल आएगा उतनी ऊंचाई पे और उत्तराखंड के कुछ भाग आएंगे उतनी ऊंचाई पे, ठीक है। तो उनमें बांज, ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें लिखिए 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं, चीड़ के वन जिनका व्यापारिक महत्व अधिक होता है, ठीक है। फिर लिखिए 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और उससे अधिक ऊंचाई पर आप जाओगे तो वहाँ पे मांस और लाइकेन, जैसे मांस और लाइकेन कौन सी वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति, यानी 4000 से 4000 मीटर से ऊपर हिमालय पर जाने पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है जिनमें मांस और लाइकेन, ठीक है, जैसे मांस और लाइकेन। अब नोट करके लिखना है कि हिमालय में प्राकृतिक रूप से चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। पूछा जाता है कि चंदन के वृक्ष प्राकृतिक रूप से हिमालय में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है, चंदन के वृक्ष प्राकृतिक रूप से हिमालय में नहीं पाए जाते, ठीक है। यदि आपको जानना है चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, वैसे तो मैं बताऊंगा आगे जब जलवायु पढ़ाऊंगा, वनस्पति पढ़ाऊंगा, लेकिन चंदन के वृक्ष प्रायद्वीपीय भाग के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। यदि राज्यों में जानना है तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा एक एक बात और नोट करके लिखनी है कि मोगनी वनस्पति भी हिमालय में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। आपने सब सुना होगा, मोगनी वनस्पति भी प्राकृतिक रूप से हिमालय में नहीं पाई जाती, ये बात भी आपको लिखना है। तो जो जो मैं बोला हुआ आपको, ठीक है, हिमालय में क्या क्या पाया जाता है, देखिए लिख ली देख लीजिए कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखिए जो जो मैं बोला हूँ सब आपको लिखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बस मुख्य बात तो आपको ये लिखनी है, देखिए जो चंदन के वृक्ष है ये प्राकृतिक रूप से हिमालय में नहीं पाए जाते, ना ही मोगनी वनस्पति पाई जाती, ठीक है। तो इतना हो गया, अब जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप पढ़ के जवाब दीजिए, यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, यदि आप जवाब देते हैं तो वास्तव में आपने हिमालय अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो बस इतना इसमें बताना था, थैंक यू वेरी मच।